हमारे सनसनीखेज खुलासे पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपको अब कुछ कुछ शायद समझ में आ रहा होगा कि जब पुलिस एनकाउंटर करती है और वहां से जो हथियार बरामद होते हैं तो आप सोचिए क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हथियार कहां से आते हैं। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे सरकारी मालखानों से पुलिस वाले बेचते हैं कारतूस और पिस्तौल, लेकिन वर्दी वाले यमराज करते हैं मौत का एक और कारोबार नशे का। अक्सर ड्रग्स रैकेट पकड़े जाते हैं, कोकीन हेरोइन बरामद की जाती है, लेकिन पुलिस वाले इनका भी सौदा करते हैं। तो एक बार फिर आपको लिए चलते हैं हम फर्रुखाबाद, जहां पहले आपने हथियारों का शोरूम देखा और अब देखिए फर्रुखाबाद में ही ड्रग्स की दुकान। एक करोड़ की हेरोइन का सौदा करना चाहता है ये पुलिस कांस्टेबल। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाने में तैनात देवेंद्र सिंह यादव नाम का ये कांस्टेबल रातों रात नशे का सौदागर बन चुका है। इसने अपराधियों से हेरोइन जब्त की गई हेरोइन को मालखाने में जमा करने के बदले खुद अपने पास रख लिया और अब ये 1 करोड़ रुपए के लिए हेरोइन के खरीदार की तलाश में है। नशे का कारोबार करने वाला ये कांस्टेबल खरीदार की खोज में अपने कुछ साथियों की मदद ले रहा है। तहकीकात के दौरान सबसे पहले हमारी मुलाकात कांस्टेबल देवेंद्र सिंह यादव के साथियों से ही हुई। बात 1 करोड़ की हीरोइन के सौदे की थी। इसमें फ्रॉडबाजी बहुत होती है, हमें लोगों धंधा करना है ईमानदारी, हमारे लोगों का काम नंबर 1 की ईमानदारी होती है, अगर कोई पार्टी सही है। कांस्टेबल देवेंद्र सिंह का साथी हमें 2 नंबर के काम का कायदा कानून समझा रहा था। वो अपने साथ एक पॉलिथिन बैग लाया था जिसमें रखा था हेरोइन का सैंपल। हमें बताया गया कि 1 करोड़ रुपए का पूरा माल फर्रुखाबाद के कांस्टेबल देवेंद्र सिंह यादव के पास है। हम हेरोइन के सौदे के बहाने कांस्टेबल देवेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे और कुछ ही दिन में हमारी मुलाकात हुई कांस्टेबल देवेंद्र सिंह से। सौदे में किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। कांस्टेबल देवेंद्र सिंह यादव हमें असली हीरोइन की पहचान बताने लगा। सफेद पाउडर हुआ? पाउडर जैसा होता है ये, नहीं सफेद बिल्कुल नहीं होता, कुछ हल्का सा क्रीम कलर का ब्राउन मैं देखो पहचान इसकी नहीं बता सकता। मुरादाबाद भी हमने इस चीज को हमने पकड़ी थी, वहाँ भी यही चीज निकली, यहाँ भी अभी भी पकड़ी गई है, यहीं से पकड़ी गई थी, जिसमें 900 ग्राम थी। अभी थी तो ज्यादा, लेकिन 900 ग्राम लगाई गई है। कांस्टेबल देवेंद्र से हम उसके पास मौजूद हेरोइन की कीमत जानना चाहते थे। देवेंद्र ने बताया कि हमने जिस हेरोइन का सैंपल देखा वो थाईलैंड की है और ऐसी 1 किलो हेरोइन की कीमत 1 करोड़ तक होती है। कितना? 1 करोड़ भी। एक बार खोल लेते तो कम से कम दोबारा लौटने आने आता है। वो 80 से नीचे ना पड़े, इससे नीचे कोई सवाल नहीं है। वो 46 सड़ जाए गल जाए उससे नीचे नहीं पड़े, वो नहीं तुम्हें हेरोइन की सौदेबाजी में लगे कांस्टेबल देवेंद्र ने कहा कि वो कीमत में कोई समझौता नहीं करेगा। कीमत में कोई समझौता नहीं होगा। फर्रुखाबाद के एक थाने का कांस्टेबल कर रहा है 1 किलो हेरोइन का सौदा, कीमत 1 करोड़ रुपए। आपकी तरह हम भी चौंक गए थे। आज के यमराज में हम जाएंगे मेरठ के डीएम के पास और करेंगे वो हथियार उन्हें सौंप देंगे जो हमने खरीदे थे।